अलवर के बहरोड में युवा कांग्रेस द्वारा जन अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर सवार कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। आगे भंवर जितेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली गाड़ी पर सवार थे। रैली की शुरुआत अनाज मंडी से की गई। यह रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई बस स्टैंड के समीप महावर धर्मशाला में एक सभा में तब्दील हुई, जिसे जितेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। इस समय कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी के तहत अधिकार रैली का शुभारंभ बहरोड विधानसभा से किया गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि इसी तरह सभी विधानसभाओं में रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जन की समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से बहरोड को जिला बनाए जाने, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को शीघ्र शुरू करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन भेजा जाएगा। साथ ही पेट्रोल डीजल में बड़े दामों को कम किए जाने सहित कृषि बिजली दर को आधी किए जाने की बात भी इस सभा के माध्यम से रखी गई। किसानों को फसल का उचित मूल्य मिला, काला धन वापिस आया, राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, ये केवल एक झूठे झूले दिए गए। और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे लोग थे, आदरणीय भंवर साहब सांसद थे, इन्होंने अलवर जिले में आज तक का इतिहास रहा है, बहुत सारे सांसद रहे, पर किसी ने भी आज तक इतना काम कराया तो इन्होंने पूरे जिले में इतने बड़े बड़े विकास कार्य कराए, इन्होंने इतना बड़ा 800 करोड़ का ईएसआईसी और मेडिकल कॉलेज बनवाया, मदर्स यूनिवर्सिटी युवाओं के लिए बनवाई, सैनिक स्कूल, आज हमारे पानी की इतनी बड़ी समस्या पूरे जिले में, उसके लिए चंबल के पानी की योजना, बुलेट ट्रेन, और सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया, युवाओं के लिए काम किया, पैरामिलिट्री के द्वारा दफ्तर सेंटर खुलाए, और इस पैरामिलिट्री के सेंटर खुलने से अगर किसी को फायदा होगा तो सबसे ज्यादा मेरे बहरोड के युवा साथियों को फायदा होगा, क्योंकि बहरोड का युवा साथी सबसे अधिक सेना में जाता है, उनको यही भर्ती देखने का मौका मिलेगा। इस दौरान जिला प्रमुख रेखा राजू यादव, बांसुर विधायक शकुंतला रावत, बलवीर सिंह छिल्लर, अशोक दीक्षित, डॉक्टर आरसी यादव सहित योगेश प्रधान मौजूद रहे। आज की जो जनसभा थी उसका उद्देश्य था कि जो हमारे युवाओं की जो समस्या है, जिसमें रोजगार है, किसानों की समस्या है, यहाँ अलवर में जो बड़े बड़े योजनाएँ हैं, चंबल का पानी की योजना है, बुलेट ट्रेन की योजना है, हमारे ऐसे मेडिकल अस्पताल की जो योजनाएँ, तो उनको बंद कर दिया है, और जो शासन को जनता के अनुरूप काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही है, इसलिए जनता की आवाज़ हम लेके जाएंगे प्रदेश के ऊपर भी और राष्ट्र।